ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 17 जून 2021 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र रहेगा तथा सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य संपादित नहीं किया जाता है। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध वृषभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन सिंह तुला धनु और मीन ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति के उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। स्थायी संपत्ति प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ लाभदायक योजनाएं बनेगी। घर के बदलाव संबंधी विषय पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे। अधिकतर समय मनोरंजन तथा परिवार के साथ मौज मस्ती संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें, इससे आपके अंदर चल रही कई गलतफहमियां सुलझ जाएगी। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपका बढ़ता विश्वास भी आपको शांति और मानसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान हटाए। किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफ़ेद रंग की कोई भी मीठी वस्तु जैसे मिश्री या शक्कर खा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। घर में रिश्तेदारों का या मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। अपने महत्वपूर्ण काम आप निपटाने का प्रयास करेंगे। युवाओं को आपसी वार्तालाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चों पर कठोर नियंत्रण न रख करके मित्रवत व्यवहार रखें, इससे आसानी से वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और उपाय के रूप में हरी सब्जी का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। मनोरंजन और हास परिहास में आपका समय व्यतीत होगा। हल्का फुल्का आराम करने का अवसर भी आपको मिलेगा। ऊर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे। घर की जरूरत संबंधी कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से पड़ताल अवश्य करें और अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें। ऑफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड्डू चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पारिवारिक सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पण भाव रहेगा।
किसी सामाजिक गतिविधि में आपका महत्वपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे। कोई आर्थिक परेशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम व संकीर्णता परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बनाकर रखना अति आवश्यक होगा और उपाय के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलायची खाना आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी समाज सेवी संस्था में आपका विशेष योगदान रहेगा, जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ति होगी। आपके अपने व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। कोई अचानक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अनजान व्यक्ति के विवाद में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि उसकी वजह से आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर निकलते हैं तो आपका दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज किसी भी गतिविधि में दिल के बजाय दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर और लाभदायक चर्चा होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है। काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसका असर परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजिटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चय ही आपके स्वभाव में एक जो है सकारात्मक आपको नज़रिया महसूस होगा। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका व्यतीत होगा। उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा। बच्चे भी अनुशासित तथा आज्ञाकारी रहेंगे। स्वास्थ्य में हल्की पुल्की परेशानी रहने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, परंतु तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। पारिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ होगा। नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हुए हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा। उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध का या दही का दान आप करेंगे तो आपका दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा उनके साथ लाभदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। समय का भरपूर फायदा उठाएं। मनोरंजन संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें। कोई आपकी गतिविधियों का नाजायज फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बच्चों की गतिविधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नज़र रखना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर या हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी गतिविधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा। आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। कोई भी योजना बनाने या क्रियान्वित करने से पहले पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अपना अधिकतम समय
आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कार्यों में व्यतीत करेंगे। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य भी आपके संपन्न हो जाएंगे। घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं। कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे, जिनके विषय में आप कुछ कार्य भी संपन्न करेंगे। और संतान संबंधी कोई चिंता आपको परेशान करेगी, कोई खुशखबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी। उपाय के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपका अधिकतम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुख सुविधा संबंधी कार्य भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। अधिक समय आप जो है अपने क्रियाकलापों में व्यतीत करेंगे। रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सहयोग से संपूर्ण हो जाएंगे। भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपकी जो शंकालु या जिद की प्रवृत्ति है उसको परिवर्तन करना चाहिए। थोड़ा सा व्यवहार में लचीलापन रखना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। और आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।